हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग साइंस का रिवीजन डे वन स्टार्ट कर चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में देखना, ये वहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाला है और ये जो चीज़ है आपके एग्ज़ाम तक चलेगा। और मैं बहुत जल्द मैराथन लेके आ रहा हूँ। अभी थोड़ा सा एक दो दिन में हेल्थ की इशू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया एक दिन, बट अब जो है वो कंटिन्यू रहेगी और मैराथन बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। और शायद कोस्ट गार्ड लगता है कि एग्ज़ाम लेना भूल गया है, बिकॉज़ आज 14 फरवरी हो गया और अभी तक जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एडमिट कार्ड का कुछ भी अता पता नहीं है, ना ही डेट एग्ज़ाम का स्टेटस का कुछ पता है, जबकि हर बार अब तक आ जाता था। कोई दिक्कत नहीं है जनाब, हम तैयारी पे जान लगा के बढ़ा देंगे और अपना प्रेशर, ठीक है, दबाव बढ़ा देंगे तैयारी पे, किस बार फोड़ देना एग्ज़ाम को। अभी चलो ये सब तो ठीक है, इसकी PDF जो रेगुलर बेसिस पे मैं यूट्यूब पे अब डे वन डे टू कराऊंगा उसकी PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, @A2ZStudy सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल तो मिल जाएगा। तो ये तो फ्री वाली PDF है, बाकी पेड PDF अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो पेड PDF ले लो। देखो क्या है ना कि जो पेड PDF यहाँ से आराम से 70% आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं हर बार एग्जाम में, और पेड PDF प्लस में यूट्यूब, ये दोनों मिला के अराउंड 80-90% चीज़ें एग्जाम में कवर हो जाती है। तो पेड PDF बाई करने के लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर लो। यहाँ पे लगभग 500 क्वेश्चन है साइंस के, 500 क्वेश्चन है मैथ के, 500 क्वेश्चन है रीजनिंग के, 500 क्वेश्चन से ज़्यादा वोकैबुलरी के है, और मैं गारंटी देता हूँ कि 70% चीज़ें आपको PDF से देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स रीजनिंग सेम पैटर्न पे होगा, रीजनिंग वो क्या है एज इट इज़, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये गारंटेड मैं कह रहा हूँ कि मिलते हैं ये चीज़। अब देखो ये सारे PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में, अगर आपको बाई करना तो व्हाट्सअप करके भी बाई कर सकते हो 7279047787, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो 7279047787 पर, सारी PDF को बाई कर लो। और एग्जाम तक ऑनलाइन मॉक टेस्ट रेगुलर लगाते रहो, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। A2ZStudy का अपना ऐप है, खुद का ऐप, जहाँ पे खुद मैंने सारा मॉक टेस्ट तैयार किया है, कॉम्बो 1.0 2.0, इनको ₹110 में पूरे 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप बाई कर सकते हो वीडियो सॉल्यूशन के साथ सेक्शन 1 के लिए, चाहे अपने GD के लिए दिया हो, DV के लिए दिया हो, सेक्शन 1 की मॉक टेस्ट लगा के जाना, मैं गारंटी देता हूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना आप एग्जाम के बाद आगे कहोगे सर मज़ा आ गया एग्जाम देखे, ये चीज़ हमारा तो रिकॉर्ड रह चुका है अभी का, पिछली बार के जो सिलेक्टेड बंदे हैं, जो बच्चे हैं मेडिकल देके आए थे, वो मतलब कह रहे कि सर आपको हर बार हम लोग याद करते हैं, मेडिकल में भी फिजिकल में भी लगता है कि नहीं आपसे पढ़ के बहुत बेनिफिट हुआ। मैं फेंक नहीं रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड करते रहता हूँ, बाकी A2ZStudy ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर, रिवीजन के ऊपर, ठीक है, रिवीजन चलते रहेगा, ठीक है, पार्टी ऐसी ही चलते रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, बताओ निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। हमारे अंदर एक बीमारी होता है गोइटर, ठीक है, सबके अंदर नहीं होता, जिसके अंदर आयोडीन की कमी होती है ना उनको एक बीमारी हो जाती है गोइटर, ठीक है, तो वो जो इंसान है वो घेंगा की कमी के वजह से, घेंगा जो है आयोडीन की कमी से होता है। और टेलीग्राम पे आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे पढ़ो, टेलीग्राम पे बिना आंसर वाली PDF डाउनलोड करो, ताकि वहाँ से आपको रिवीजन करने में आसान हो, बाकी जो समझ में ना आप यूट्यूब पे देख पाओगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली, जो पावर ट्रांसफार्मर है वो किसके लॉ पे काम करता है, फैराडे के लॉ पे, हुक्स के लॉ पे, या फिर न्यूटन, या फिर आइंस्टीन थ्योरी, किस पे काम कर रहा होता है ये चीज़ बताओ। तो गाइस ट्रांसफार्मर जो है ना वो फैराडे के लॉ पे काम कर रहा होता है, फैराडे के नियम पे काम कर रहा होता है, तो ये चीज़ आपको याद करना होगा रिवीजन के लिए, मोस्ट BBI क्वेश्चंस में उठा के ला रहा हूँ। अब यहाँ से ना रडार सिस्टम के, देखो रडार सिस्टम के बारे में पूछ रहा, रडार के ऊपर मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था 2018 में, तब एक डिटेल वीडियो बनाई थी, एकदम घटिया क्वालिटी की वीडियो थी, बट वायरल हो गई थी मोदी जी की वजह से, मोदी जी ने रडार के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था, और मैंने उसी टाइम बाई मिस्टेक कह लो चाहे जो भी रडार के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया कि रडार का यूज़ क्या है ऐसे वैसे, उसके अंदर मैंने एक रडार का फुल फॉर्म भी बताया था। अगर आपको रडार का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि रडार का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, नो डाउट। अब रडार जो है ना वो माइक्रोवेव्स के ऊपर काम कर रहा होता है, सूक्ष्म तरंगे के, जो मतलब इसके अंदर सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है, ठीक है। वैसे रडार के ऊपर मैंने टूटी फूटी भाषा में सब कुछ समझा दिया था, बिकॉज उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था यूट्यूब का, तो वो वीडियो आप देखोगे ना रडार वीडियो बाई A2ZStudy तो आपको मिल जाएगा, ना थंबनेल सही से था ना कुछ भी था, नया नया थे हम लोग। आगे देखो, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, जो भी उड़ता हुआ चीज़ है, बोलोगे उड़ता हुआ चक्का मतलब क्या हवा में फेंक के चक्का नापेंगे, नहीं, जो प्लेन है या फिर कोई चीज़ है अगर उसका जो घूर्णन है क्या थे ना कि वहाँ पर रोटेशन जो है चक्के की, किस चीज़ से मेज़र करते हैं, बायरोमीटर से, वेरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, या फिर एस्ट्रोबोस्कोप से, तो ऊपर के 3 ऑप्शंस बिल्कुल भी गलत है।
करेक्ट आंसर है स्ट्रोबोस्कोप से आपका उड़ते हुए चक्कों का क्या मेजर किया जाता है? घूर्णन। ये एग्जाम में आया भी था पिछली बार। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम का जो है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन देखो है, तो कुछ लोग कहेंगे मक्खी, मच्छर, चूहा, कुछ भी कह देंगे, तो करेक्ट आंसर मच्छर, और करेक्ट मच्छर भी नहीं है देखो, ठीक है, करेक्ट आंसर मच्छरिया होती है, मच्छरिया जो मच्छर की फीमेल होती है वो। आगे देखो, सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहे पर जंग लगना किसका अभिक्रिया? देखो अभिक्रिया मेनली दो टाइप से आपने पढ़ा होगा, एक फिजिकल रिएक्शन, रिएक्शन टू टाइप्स के पढ़े होंगे, एक फिजिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, ध्यान से सुनना। फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वो चीज़ जो रिएक्शन रिएक्ट करने पे अपना पहले वाला एग्जिस्टेंस खो देती है, अस्तित्व खत्म हो जाता है, कुछ नया चीज़ बन जाता है, और अगेन वो पहले की तरह नहीं आ सकती, नए रिकवर नहीं किया जा सकता उस चीज़ को, तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वैसा चीज़ जो अपना पुराना रूप खो के नए रूप में ढल जाए या फिर नए फॉर्म में चेंज हो जाए, अब पुरानी की तरह उसको लाना संभव ना हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन। जैसे किसी कागज़ को हम लोग जला रहे हैं, तो जलने के बाद क्या अगेन उसको कागज़ आप बना दोगे? नहीं, तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब देखो ये क्या है, भौतिक अभिक्रिया। तो भौतिक अभिक्रिया वो है जो चीज़ बदलने के बाद एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर चली जाती तो अगेन उसको वापस उसी फॉर्म में ला जा सकता है। जैसे पानी का वाष्पीकरण, अगर पानी का आप इवेपोरेशन कर रहे हो तो अगेन उसको वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, नो डाउट। तो ये हो जाएगा फिजिकल रिएक्शन। इसके अलावा एक एक आप भी एग्जांपल बताओगे फिजिकल रिएक्शन के, और एक रासायनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के, एक एक एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं कितने लोग एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। अब लोहे पे जंग लगना, अब लोहा पे मान लो जंग लग गया, तो क्या आप जिस तरीके से लोहा बर्बाद हो जाता है जंग लगने के बाद, क्या अगेन उसी लोहा को आप पहले की तरह कर दोगे? नहीं पॉसिबल है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो, घूर्णन की, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है? देखो ऑप्शन में एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिखेगा, एग्जैक्टली होता 27.7 या फिर 27.8 ऐसे होता है, ठीक है, किलोमीटर प्रति मीटर मिनट, ठीक है, किलोमीटर प्रति मिनट 27.78 ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, मतलब पॉइंट पॉइंट में होता है, इसलिए हम लोग एग्जैक्टली उसको 28 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से जानते हैं। ठीक है, अर्थ का जो है ना रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन, और ये किलोमीटर पर मिनट में है, किलोमीटर पर आर चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगा, तो ये वेरी करता है ऑप्शन में क्या है। ठीक है, ऑप्शन में मैंने जो दिया किलोमीटर पर मिनट, उसके हिसाब से ये चीज़ मैंने बताया। अब देखो, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत पहले ही मैंने बताया था, डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, क्या दिया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, आगे देखो, चींटी के डंक में जो है ना वो कौन सा एसिड पाया जाता है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन को देख के सठिया गए होंगे लोग कि क्या कह दिए सर, फॉर्मिक एसिड तो आपके ऑप्शन में है नहीं। देखो, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटियों के डंक में, बट ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करें सर? तो उसी का एक कॉमन नेम है, सॉरी, मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है, तो आपसे घुमा के एग्जाम में लिया जा सकता है आराम से। ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे देखो, अगला कह रहा है कि अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा? देखो, जब भी जंग लगता है तो उसका भार जो है ना, वेट बढ़ जाता है भाई, विल बी इंक्रीज, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लोड या फिर वेट विल इंक्रीज हो जाएगा। अब एक मिनट, बाई मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया गया भारत कम हो जाएगा, ये चीज़ गलत है, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे भार बढ़ जाएगा होना चाहिए था, या फिर भार कम हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे देखो, किस यंत्र की के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? ठीक है, तो सौर ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में, उसको फोटोवोल्टिक या फिर फोटोवोल्टेइक सेल कहते हैं। इसके द्वारा जो है, जो भी सोलर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज़ आप याद रखोगे। आगे देखो, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है केंद्र पर त्वरण का मान पूछ रहा है, तो सेंटर पे जो एक्सेलरेशन का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो जीरो होता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ बिल्कुल भी। ओके, अब देखो, कम तापमान को मापने के लिए क्या कौन सा यंत्र करते हैं? देखो, एक जो है ना वो लोवेस्ट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्रायोमीटर का यूज़ करते हैं, और हाईएस्ट, जैसे हम लोग सूर्य सन, इसका टेम्परेचर मेजर करना हो तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, उस कंडीशन में पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो दोनों यूज करोगे, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रायोमीटर, मिनिमम या फिर लोवेस्ट टेम्परेचर को मेजर करते हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर का है या फिर बहुत ज़्यादा तापमान का है हिंदी में, तो आपको पायरोमीटर कहना होगा। मनुष्य की सुनने की क्षमता क्या होती है, ये बताओ, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो होती है ना वो
फ्रिक्वेंसी वो सुन सकता है इंसान, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और यहाँ से हर बार एक सवाल आता है ना कि देखो ध्वनि को मापते हैं कि इसमें, तो डेसिबल में मेज़र करते हैं, ये एक सवाल बार बार एग्जाम में आता है। अच्छा आगे वो तो मिल ही जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि निर्वात में लोहा कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले आएगा। देखो मैंने बहुत बढ़िया से बताया था कि जब भी कोई चीज़ वैक्यूम में गिराते हैं हम लोग, ठीक है, तो वैक्यूम में गिराने पे जब भी कोई भी चीज़ हो उसका वेट मैटर नहीं करता, वेटलेस, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वेटलेस हो जाती हैं, सब की सब चीज़ें, आप पहाड़ गिरा दो, पर्वत गिरा दो, पत्थर गिरा दो, बॉल गिरा दो, आप खुद भी गिर जाओ, सब साथ में गिरोगे, ठीक है, डजंट मैटर कि वेट कितना है किसका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल थ्री टुगेदर, बिकॉज अगर यही हमारे जनरल एनवायरनमेंट के अंदर गिरा रहे होते तो जिसका वेट ज़्यादा होता वो पहले गिरता, बट वहाँ पर देखो वैक्यूम में कोई जो है वहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात है, तो वहाँ पर सबके सब एक साथ गिरेंगे, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या सिलिका है, ओके, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो थ्योरी ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने दिया था, तो आपने पढ़ा होगा जॉन डॉल्टन का नाम, ठीक है। और एक सवाल बनता है ना बार बार, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो मैंने पिछली बैच में भी सिखाया था इसका फॉर्मूला, पेन जी टी सी, पेन के नीचे लिख देना जी टी सी, तो पेन का हो जाएगा पी फोर प्रोटॉन, ई फोर जी फोर गोल्ड स्ट्रीन, ठीक है, ई फोर इलेक्ट्रॉन, टी फोर थॉमसन, एन फोर न्यूट्रॉन, सी फोर चैडविक, ओके। तो प्रोटॉन का गोल्ड स्ट्रीन, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, जे जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का चैडविक, और ज़्यादा दिमाग मत लगा ना, रदरफोर्ड कहने लगते हो, ठीक है, तो जो एग्जाम में आता है और जो सही आंसर है वही याद करा करो, पूरा डिटेल कहानी मत पढ़ा करो। आगे देखो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 18 नंबर, वाशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पे काम कर रहा होता है, तो वो यहाँ पे है क्या भाई, अभी केंद्रीय को सेंट्रल कहा गया यहाँ पे, तो एक चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सेकंड वाले ऑप्शन का जो है ना आपका यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल आंसर तो सही है आपका, सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन इसका जो है ना टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही है। तो वाशिंग मशीन जो होती है वो अपकेंद्रीय विधि पे काम कर रही होती है। अब यहाँ पे कह रहा है बल आघूर्ण की इकाई क्या है, तो वो हो जाता है न्यूटन मीटर सेकेंड, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ है, न्यूटन मीटर के अलावा। इसमें एक चीज़ और आपको, एक चीज़ नहीं दो चीज़ मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ, बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या होता है, टॉर्क का जो होता है इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ जो है न्यूटन पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं होता, न्यूटन मीटर होता है। और एक चीज़ यहाँ पर एक और याद करी, जिसकी इसके ना डायमेंशनल फार्मूला कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे, तो एम एल टू और टी माइनस टू ये कह सकते हो, या फिर इसको आप नोट कर लो, एसआई बेस यूनिट पूछ लेता है समटाइम आपका, तो वो क्या कहोगे, देखो या तो आपका ना न्यूटन मीटर ऑप्शन में देगा, या फिर इस तरीके से लिखेगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू, ऐसे कर देगा, ठीक है, या फिर तो आपका है ही यहाँ पे न्यूटन मीटर। तो गाइज अब तीनों चीज़ों को डायमेंशनल मैंने लिखा दिया, एम एल टू टी माइनस टू, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो टी माइनस टू याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे सेकंड का माइनस टू है, तो फिर टाइम डायमेंशनल फार्मूला में भी टाइम आपका माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक तरीके से मीटर लेंथ को मेज़र करते हैं, तो वहाँ पे आपका एल फोर लेंथ होता है, तो वो भी टू हो जाता है, और किलोग्राम मास को कर रहे होते हो तो फिर एम आपका वहाँ पे वन हो जाता है, एम एल टू टी माइनस टू, तो इसी के अकॉर्डिंग उसको तैयार किया जाता है डायमेंशनल फार्मूला। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, अल्जाइमर रोग जो होता है ह्यूमन के बॉडी के किस अंग को जो है ना पार्ट को अफेक्ट करता है, अल्जाइमर हमारे ब्रेन के जो है ना बीमारी से संबंधित है, तो ये 20 क्वेश्चन में से कितने आपने सही किए कमेंट सेक्शन में बताओ। और सारी पेड पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787, साथ ही साथ टेटूजेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो, या फिर कुछ भी बाय करने नहीं आ रहा तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर बिकॉज जो भी रेगुलर वाली क्लासेज चल रही है इनकी पीडीएफ मैं वहाँ पर दे दूंगा आपको।